हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड यू आर वाचिंग फैशन फ्यूजन्स। आज का वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस है। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ गाउन्स दिखाती हैं, लहंगे दिखाती हैं रीयूज प्रोजेक्ट्स में, साड़ी से आप साड़ी से बने हुए कुछ सूट्स के डिज़ाइन दिखाइए। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सूट्स के डिज़ाइंस जो अलग अलग पैटर्न ऑफ साड़ीज से बने हैं। मतलब मैं यहाँ पे कॉटन साड़ीज़ का रीयूज दिखाऊंगी जिससे मैंने सूट्स बनाए हैं, जॉर्जेट दिखाऊंगी, शिफॉन दिखाऊंगी, सिल्क दिखाऊंगी। तो इसमें होने वाला है शरारा सूट, ट्राउज़र सूट, कलीदार प्लाजो सूट और सिंपल सूट। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको आज सूट्स के डिज़ाइन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और स्टार्ट करती हूँ मैं आज का पहला सूट जो बनाया है सिल्क साड़ी से। तो ये है सिल्क साड़ी का सूट, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे बनाया है। ये साड़ी आप देख सकते हैं प्लेन साड़ी थी इस तरीके से, और ये जो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये इतना बॉर्डर नहीं था, इसके दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बॉर्डर और था। तो मैंने बॉर्डर के सिर्फ बीच वाला पार्ट ले लिया क्योंकि बहुत प्यारा डिज़ाइन था। इसमें देखिए सिर्फ बीच वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे अरेंज कराया और जो साइड की दोनों पट्टियाँ थी वो इसके अंदर ही फोल्ड हो गई। तो और बॉर्डर था, देन पल्ला था, तो जो पल्लू था वो इस तरीके से था इसका। तो मैंने उस पल्लू एरिया में से थोड़ा सा कटआउट लिया और उस कटआउट को मैंने यहाँ पेस्ट कराया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई फिनिशिंग एक्स्ट्रा, कोई लेस कुछ नहीं दी है। और उसी पल्लू में से ये मैंने यहाँ पर भी साड़ी का बॉर्डर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे भी पल्लू में से ही मैंने ये पोर्शन निकलवाया और ये स्लीव आ गई इस तरीके से। और ये मुझे एल्बो लेंथ तक मैंने इसकी स्लीव्स बनवाई हैं, तो काफ़ी स्मार्ट सा लुक देती हैं। अब देखिए इस तरीके से आता है इस सूट का कुछ लुक। और यहाँ पे मैंने देखिए ये आर्म होल से लेके और पूरा नीचे तक, एंड्स तक, मैंने वही साड़ी का जो बीच वाली लेस थी उसको मैंने आगे भी और पीछे भी प्लेस कराया। अब ये कलर इतना ज़्यादा खिलता हुआ कलर है जो सूट में ज़्यादा सुंदर लगता है साड़ी के कंपैरिजन में। और ये जो लेस यहाँ पे लगी है सिर्फ बीच का पार्ट, इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्यूटी ऐड हो गई। और मैंने इसके एंड्स पे कुछ नहीं करवाया, सिर्फ यहाँ पे मैंने इसकी लेस लगवाई। बैक में मैंने कुछ इस तरीके से इसमें डीप ड्रॉप का शेप डलवाया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसके साथ जो है मैंने बनवाया है ये ट्राउज़र। ट्राउज़र इसका इतना मज़ेदार है, इसका कलर इतना ज़्यादा रिच है कि ये मेरे बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ जाता है। इस वाली कुर्ती के साथ भी ये बहुत सुंदर लगता है, हाई लो कुर्ती के साथ, और ये मेरा और भी कई सारी कुर्तीज़ के साथ मैं इसको पेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह की जो है सिल्क साड़ी, जो प्लेन साड़ीज़ हैं उनको अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं कि कोई कलर आपकी साड़ी का ऐसा है कि जैसे ब्लैक हो गया, मरून हो गया, ब्राउन हो गया या क्रीम, ये चार पांच साड़ी के कलर ऐसे हैं, अगर आप इनको रीयूज़ करते हैं और इनका आप ट्राउज़र बनाते हैं तो वो ट्राउज़र बहुत बेनिफिशियल होता है, वो आपकी और बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ मैचअप हो जाता है। तो आपकी एक ट्राउज़र से बहुत सारी ड्रेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो सिल्क साड़ी में आप बॉटम में आप इस तरीके से ट्राउज़र बनवा लें। तो जो मेरा पहला सूट था वो ये जो मैंने इस तरीके से बनवाया। आई होप आपको मेरा फर्स्ट सूट पसंद आया। चलिए अब दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट जो सूट है वो भी सिल्क साड़ी से ही बना हुआ है और वो है ये। अब ये जो सूट का पैटर्न है ये है स्ट्रेट कुर्ती विद कली वाला प्लाजो, ठीक है। एक प्लाजो आपका स्ट्रेट होता है, एक प्लाजो आपका कलियों में बनता है, उनका लुक बहुत ही प्यारा आता है, स्कर्ट वाला लुक आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही क्रिएट किया है ये वाला ड्रेस। अब ये साड़ी आप देखिए किस तरह की थी, ये देखिए ये साड़ी थी पूरी प्लेन और ये पूरा बॉर्डर था, ठीक है। तो जितना भी साड़ी का बॉर्डर था उसको मैंने इसके बॉटम में तो अरेंज किया क्योंकि बॉटम में अच्छा लगता है, तो इसके बॉटम में अरेंज कर दिया। और यहाँ देखिए आप ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैंने यूज़ किया इसकी कुर्ती में कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो फैब्रिक है ये अलग से ब्रोकेड का पीस हमने इसमें अरेंज कराया, और जो साड़ी का बॉर्डर था उस बॉर्डर के बस बीच वाले पार्ट को यहाँ पे इसको फिनिशिंग लुक दे दी, मतलब ब्रॉकेट को बीच में फंसा दिया और बॉर्डर से इसकी आउटलाइनिंग कर दी। और ये देखिए
यहाँ पे बॉर्डर का इतना ही पार्ट हमने स्लीव्स पे दे दिया यहाँ पर, बाकी इसमें हमने और कहीं कोई बॉर्डर नहीं दिया। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है नेक में, सिंपल सा नेक है एंड बैक में भी प्लेन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्लाजो। जो इसका प्लाजो है वो है कलीदार। तो जो कलीदार प्लाजो होते हैं उसकी जो ये घेरा होता है वो टोटली डिपेंड करता है दो बातों पर। एक तो जिसका भी सूट है, जो भी क्लाइंट है, वो कितना फ्लेयर पहनना चाह रहा है। दूसरा, आपकी साड़ी में कितनी जगह है, मतलब साड़ी कितनी है आपकी, कि कितना उसमें से कितने फ्लेयर का प्लाजो निकल सकता है। तो सिल्की साड़ी थोड़ी सी जनरली कभी कभी छोटी होती हैं लेंथ में, तो इसकी भी थोड़ी छोटी थी, तो इसमें ये इतना फ्लेयर निकल के आया एक पैर का। और ये लगभग 25 इंच है, तो ये काफ़ी होता है 25 इंच, लेकिन अगर साड़ी लंबी होती है तो ये 30 इंच तक भी निकल जाता है। तो ये 25 इंच में इतना फ्लेयर इसका निकल गया। ठीक है, तो ये आ गया इसमें पूरा प्लाजो। अब देखिए इसका भी बेनिफिट है, ये भी प्लेन है, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक कुर्ती के साथ बहुत प्यारा लगेगा, ऑरेंज के साथ बहुत प्यारा लगेगा, रस्ट कलर की अगर कुर्ती इसके साथ डाली जाए। और यहाँ पे पूरी इलास्टिकेटेड वेस्ट है। प्लस अब मैं लाइनिंग बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे लाइनिंग के बारे में सब पूछते हैं कि आप लाइनिंग बताना भूल जाती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सिल्क की भी जो भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो आप लहंगा बनवाइए, स्कर्ट बनवाइए, सूट बनवाइए, लास्ट वाला भी जो मैंने आपको सूट दिखाया वो भी और ये भी, जैसे ये सिल्क है तो इसमें सिंपल कॉटन की लाइनिंग लगी है, सिंपल कॉटन की लाइनिंग, जो वॉशेबल लाइनिंग नहीं होती इसमें, सिंपल वही वाली लाइनिंग लगी है, उसी से इससे काम चल गया है। बहुत ज़्यादा हैवी लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हैवी लाइनिंग हम सिर्फ उन्हीं में देते हैं जिनमें आउटर जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, तब हम इनर लाइनिंग हैवी देते हैं, अदरवाइज़ हम लाइनिंग हल्की ही देते हैं, क्योंकि अननेसेसरली आपकी ड्रेस हैवी हो जाएगी। तो ये प्लाजो बन गया इसमें और ये कुर्ता बन गया इसमें। तो कुछ इसका लुक आया कुछ इस तरीके से, ये पूरा सेट बन के आया। तो आई होप आपको ये वाली ड्रेस भी पसंद आई होगी, सिंपल एंड ब्यूटीफुल एलिगेंट साड़ी का रीयूज़। तो इस तरीके से भी आप कली वाला प्लाजो अपनी सिल्क की साड़ी से बनवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन साड़ी का रीयूज़। कॉटन साड़ीज़ के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो कॉटन साड़ी से आप सूट्स बनवा सकते हैं। अगर आपकी साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत थिन है तो आप उसमें वही बारीक वाली लाइनिंग ऐड करवा लीजिए, आप उसमें से सिंपल सूट बनवा सकते हैं। सिंपल सूट का मतलब आप सलवार कुर्ती बनवा लीजिए, या फिर स्ट्रेट प्लाजो कुर्ती बनवा लीजिए, या फिर कली वाला प्लाजो कुर्ती बनवा लीजिए। और अगर आपको कुछ वेस्टर्न पहनना है तो कॉटन साड़ी से आप बनवा सकते हैं वेस्टर्न मैक्सी ड्रेस, सिंपल स्ट्रिप वाली, और यहाँ तक आप चोली कट करवाइए, उसके बाद आप नीचे ना लेयर्स वाली बनवा लीजिए, 1, 2, 3 इस तरीके से। मैं कुछ यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए फ़ोटो लगा रही हूँ, तो यहाँ से कुछ आपको आइडिया लगेगा। तो इस तरह की ना आप मैक्सी ड्रेस बनवा सकते हैं कॉटन की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो सूट्स बनवाए हैं, तो ये पहला सूट है कुछ इस तरीके से, आपको दिखाती हूँ मैं। ये साड़ी बड़ी सुंदर थी एक्चुअली, बाटिक प्रिंट में ये साड़ी थी कुछ इस तरीके से। ये आधी साड़ी नीचे अलग, मतलब ये आधी साड़ी नीचे ऐसी थी, ऊपर ऐसी, ऐसे थी ये साड़ी, लाइक दिस, ये साड़ी ऐसे थी। ठीक है, तो हमने कुर्ती इसमें निकाली ऐसे, हमने ऐसे ना निकाल के, मतलब साड़ी की विड्थ में से, ये साड़ी की विड्थ होती है, यहाँ से हम साड़ी बांधते हैं, तो ये इस तरह की साड़ी थी, तो ये ऊपर ये नीचे, तो हमने कुर्ती ऐसे लेंथ में ना निकाल के हमने इसकी कुर्ती निकलवाई इस तरीके से। तो ये हाफ जो है इधर ऐसा आ गया और इधर हाफ ये वाला कलर आ गया, तो ये काफ़ी अच्छा सा कुर्ता बन गया। और इसके साथ ये नेक लाइन एकदम सिंपल सी है, और इसका जो देखिए जो प्लाजो था वो हमने इसका जो बनवाया कली वाला वो हमने सिंपल वैसे ही बनवाया साड़ी की विड्थ में से, तो ये ऊपर आ गया पोर्शन और ये नीचे। अब ये जब साथ में पहना जाता है उसके इधर यहाँ पे रेड पोर्शन आता है, इधर पिंक आता है, तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। देखिए ये कॉटन की साड़ी थी और इसमें भी हमने इसमें लाइनिंग दी है। लाइनिंग लगाने से क्या होता है, जो आपका जो फैब्रिक है ना उसको सपोर्ट मिल जाता है। अगर वो 2 महीना चले तो वो लाइनिंग की वजह से आपका 5-6 महीने आराम से सूट चलता है। अदरवाइज़ कॉटन धो धो के ना थोड़ी सी
झिलबिली सी पड़ जाती है दो तीन बार में अगर आप वॉश करो, लेकिन लाइनिंग होने की वजह से ना उसकी स्टिफनेस बनी रहती है। तो आप कॉटन में भी शुरू शुरू में लगता है कि थोड़ा हैवी हो गया है कि हम कॉटन के सूट में भी लाइनिंग लगवाएं, बट लाइनिंग लगवाने से ना आपके सूट में थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है और सुंदर लगता है। पहनने के बाद भी ना बहुत हल्का थिन सा फैब्रिक नहीं होता, थोड़ा सा लाइनिंग की वजह से थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उसकी ग्रेस बहुत अच्छी आती है। तो लाइनिंग आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लाइनिंग आप ज़रूर लगवाएं। तो इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा लूज़ वाला प्लाजो इसमें बना हुआ है, ये जो है ये कलियों में नहीं बना है, इसको हमने स्ट्रेट रखा है, बट हमने थोड़ा सा इसको ए लाइन दी है और ए लाइन में इसको बनवाया है। तो ये थोड़ा सा बस स्कर्ट वाला लुक, थोड़ा सा चौड़ा वाला लुक का प्लाजो रेडी हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक है जो कॉटन साड़ी में आप कर सकते हैं।